अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी रात के टाइम से, मतलब सब खाना खाने लगे थे और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने बस वीडियो ही रिकॉर्ड की थी, पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा आजकल खाना खाने का। तो मैंने कहा मैं बाद में खा लूंगी अगर दिल किया सैरी टाइम। तो फिलहाल जो है ना मैंने ऑयल मंगवाया था एक, ना मतलब हेयर फॉल के लिए, जिसका मैंने आपको पहले भी रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल पर। मतलब मैंने कुछ महीने पहले मंगवाया, तो काफी टाइम मैं अकेली यूज करती हूँ, तो काफी टाइम मेरा ये जो है ना चल गया था, तकरीबन 5 महीने चल गया। क्योंकि सिर्फ रूट्स में यानी जड़ों में लगाना होता है। हेयर फॉल का मसला तो हर किसी को आजकल, मतलब 100 में से कोई 90% लोग हैं जिनको हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है, 10% है जो इससे बचे हुए हैं। तो अच्छा मुझे जो है ना हेयर फॉल बहुत सवेर किस्म का था और मैं सोच रही थी यार ला मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर ये मुझे पेज मिला था जी ब्लेंड्स के नाम से, इंस्टाग्राम का पेज है, मैं यहाँ अटैच करूंगी। तो मैंने ना इनका ऑयल ऑर्डर कराया, इससे पहले भी काफी चीजें यूज की थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा हेयर फॉल का ना, मतलब जो बाल टूटते हैं। तो फिर मैंने ये ऑर्डर कराया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुझे तकरीबन 1 हफ्ता यूज किया और मेरा हेयर फॉल खत्म हो गया। तो फिर जब भी मुझे लगता है ना मतलब मेरे बाल टूट रहे, वैसे तो शुक्र है अल्लाह का मेरे 3-4 बालों से ज्यादा बाल नहीं अब टूटते, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हम। और बाकी जितने भी लोग हेयर फॉल के शिकार है ना वो भी ये जरूर ट्राई करें। 1300 रुपये का मिलता है और इनकी डिलीवरी आई थिंक 200 होती है, या कभी कभी ये डील्स भी लगाते हैं तो फ्री भी होती है। तो आप लोग भी इनका हेयर फॉल, ये जो है ना जी ब्लेंड्स का हेयर फॉल ऑयल ऑर्डर करा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेरी कजन्स भी यूज़ कर रही हैं, पप्पो को भी बताया था मैंने, और अब मैंने अपने लिए और भाभी के लिए भी मंगवाया है, उनको भी हेयर फॉल का मसला था। तो मैंने कहा चलो अपने लिए एक और मंगवा लेती हूँ क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने दिखाया जैसे कि पीछे। तो खैर जी फिर उसके बाद यहाँ पर हो रहा था सहरी का टाइम और कुछ मेरा हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बताया आजकल क्या सिचुएशन हो रही है, मतलब दिल ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा चलो बस चाय रस्क खा लेती हूँ, डॉन के रस्क पड़े थे और ये मेरे मोस्ट फेवरेट रस्क हैं। तो फिर मैंने कहा चलो लाइट सा हो जाएगा, ये भी है कि सहरी भी कर लूँगी, ये नहीं कि सहरी ना करूँ फिर सारा दिन कैसे गुजरेगा, थोड़ा सा कर लेती हूँ। फिर मैंने चाय रस्क खा और जिस तरह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा और बहुत ही अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। तो जी आज है दावत फुप्पो के घर, मतलब जो बड़ी फुप्पो उनके घर पहले थी, दूसरी फुप्पो के घर, आज है दूसरी फुप्पो के घर। वहाँ जाने के लिए हम रेडी हुए हैं, तो आज भी दावत है तो कुछ नहीं मैंने इफ्तार में बनाया था, आगे चल के आप लोगों को वहाँ के भी लोग दिखाऊंगी। मेरा इतना प्योरा ड्रेस था जो भाभी ने नहीं दिया, उसका मेरा दुपट्टा ही गुम हो गया, मिला ही नहीं, ना मिला था ना मिला है। तो मुझे इतना बुरा लग रहा है दुपट्टा, लेकिन अब क्या करें मजबूरी है, इतना प्यारा सूट है लेकिन दुपट्टा मुझे ये पहनना पड़ेगा। साथ में मैंने खुस्सा पहना है, मुझे अच्छा लग रहा था, सलवार है ना साथ में खुस्सा अच्छा लगा, तो बस मेरा दुपट्टे ने काम खराब किया है। खैर अब मजबूरी है, दुपट्टा मिला ही नहीं, इतना हमने ढूंढा पूरा घर देख लिया दुपट्टा नहीं मिला। तो बस अब रेडी शेडी हो गए हैं, मैं बस सिंपल सा मेकअप किया, मैंने क्या रेडी होना है। तो बस अब जाने के लिए तैयार है, यहाँ पे 5:30 का टाइम हो रहा है, तो अब चलते हैं और आपको आगे का दिखाती हूँ ब्लॉग में। जी यहाँ पर जी सब रेडी शेडी हो गए थे आज ना, हम टाइम पर तैयार हो गए थे मतलब जाने के लिए, और यहाँ पे टाइम हो रहा था कोई, क्योंकि हमने कहा आज ना टाइम से जाते हैं। कल भी जब हम दूसरे पप्पो के घर गए थे तो हम लेट हो गए थे, तो आज भी मेरे रिक्शे में जाना पड़े, हमारी गाड़ी साहिबा का इंजन ख़राब हो गया, गाड़ी साहिबा तो उसका इंजन जब तक सही नहीं होता इस तरह फिर हमें 2-3 दिन गुजारा करना पड़ा। तो खैर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी ठीक होकर। और आज भी मौसम इतना प्यारा था ना, हमने कहा इस बार का रमज़ान तो बहुत ही अच्छा है कि ना, मतलब इतनी हमें प्यास लगती है, मतलब लगती है जब मैं कॉलेज से आती हूँ तब, वैसे मुझे कोई फील नहीं होता कि रोज़ा है ना, मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। जैसे शदीद गर्मी वाले रोज़े थे ना वैसे नहीं है शुक्र है अल्लाह का, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 7-8 रोज़े गुजरे हैं बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। तो फिलहाल ये जो इफ्तार थी 7 और 8 की जो है ना व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और मुझे कमेंट्स आए थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, एक्चुअली दावतें हैं ना तो फिर हम रात को लेट आते हैं, उसके बाद रूटीन कुछ ऐसी, सुबह मैंने कॉलेज जाना होता है, तो फिर इस सब में जो है ना वीडियो में एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर का टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो अभी मैंने कहा मैं वॉइस ओवर करनी करनी है, और यहाँ पर रात 3 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसे इतनी मेहनत मैं कर दिया, लाइक भी कर दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा लाइक भी किया करो, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो खैर जी हम पप्पो के घर पहुँच गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह रेडी कर ली हुई थी, चीज़ें उन्होंने पहले ही रख दी थी और बाकी जो है वो साथ साथ जो है ना गर्म कर करके ला रही थी। तो यहाँ पर तकरीबन इफ्तार में रह गए थे 5-7 मिनट ना, तो बस मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ। और ये जो मेरी पप्पो है ना माशाल्लाह खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, और काफ़ी चीज़ें चटनी वगैरह ऐसी चीज़ें ना सैलड वगैरह काफ़ी अच्छा उन्हें, मतलब काफ़ी शौक है खाने बनाने का ना, तो उनके जो है ना शामी कबाब हमारे मोस्ट फेवरेट है, मतलब बहुत पसंद है मुझे इनके हाथ के बने ना।
तो साथ में वही रफ्तार में जो सब कुछ होता है खा माशाल्लाह सब कुछ था, समोसिया वगैरह ऐसी चीज़ें और साथ में ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी जूस वगैरह शेक वगैरह, तो माशाल्लाह जी इफ्तार अच्छी थी। तो जी इफ्तारी के बाद जो है ना सुकून मिल जाता है, अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल करे और सबके खानों में बरकत डाले, आमीन सुमामी। उसके बाद यहाँ पर जी एक दो घंटा हम बातें कर रहे थे, यहीं बैठे हुए थे कमरे में, तो कुछ देर बाद पप्पो ने खाना लगा लिया, यानी कि मैं फ़ौरन ही खाना खाने लग गई हूँ। तो ऐसा नहीं, इफ्तारी के बाद तो हिम्मत नहीं होती कुछ खाने की, अंदर हम बातें वगैरह कर रहे थे तो उसकी वीडियो वगैरह क्या मैंने रिकॉर्ड करनी थी, तो फिर डायरेक्ट आपको ऐसा लग रहा है खाना ही मैं खा रही हूँ फ़ौरन। तो ये दो घंटे बाद तकरीबन हम खा रहे थे, तो पप्पो ने मुर्ग मसल्लम बनाया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बनाती हैं ये, और हमें करना ये मुर्ग मसल्लम मतलब चिकन पीस होते हैं तो साथ में जो है ना राइस होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, तो मैं उनसे रेसिपी हमेशा पूछती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। तो कभी प्रॉपर सीखूंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी सिखाऊंगी। तो खैर यहाँ पे जो है ना पप्पो की मतलब बेटी मतलब माई कज़न के घर आए थे, तो इनके घर हम बड़ी देर बाद आए हैं काफ़ी सालों बाद ना, तो मेरी बहन की दोस्त हैं तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं, तो मतलब फ्रेंडशिप है ना उसकी तो हमसे तो बड़ी हैं, तो फिर उन्होंने अपना पार्लर खोला, मतलब पार्लर का काम सीख रही थी, उन्होंने अपना पार्लर खोला था, उनके पार्लर में बैठे हुए हैं स्पेशली इसलिए वो आई थी, तीजा ना उसे बड़ा शौक है ऐसी चीज़ों का, तो उसने कहा चलो देखने चलते हैं और उनके घर उन भी चलते हैं। बस फिर इसीलिए हम जहाँ पे आ गए, और पहली बार मतलब आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना सॉफ्ट एंड टच की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी जिनका मैं मड मास्क नहीं यूज़ करती, उनकी दौड़ी हुई थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये अच्छी चीज़ है, वो कहती थी हाँ इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इतना उनसे जो है ना पूछ रही थी ब्लीच वगैरह मसाज वगैरह कौन सी अच्छी होती है, तो ये वाली जो है ना उन्होंने बताई थी, ये वाले ब्रांड की जो है ना क्लिनजर वगैरह पॉलिशर वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब जिसने फेशियल किट लेनी है ना तो इस ब्रांड की ले, ये प्रोफेशनल जो होते हैं ना ब्यूटी पार्लर में ये यूज़ होते हैं, और भी डिफरेंट कंपनीज का होता है, हर जगह का डिफरेंट होता है, उन्होंने जहाँ से काम सीखा ना बताई थी कि वहाँ पर यही मतलब यूज़ होता है, तो उन्होंने भी फिर यही अपनी चीज़ें जो है ना मतलब रखी हैं अपने पार्लर, सारी प्रोडक्ट्स उसी हिसाब से रखी हैं जो उन्होंने जिस तरह काम सीखा है, तो कही थी इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और एक स्किन शाइनर था जो कि ब्लीच वगैरह में डाला जाता है जिससे स्किन में इचिंग वगैरह का कोई मसला नहीं होता, तो कही थी ये भी आप लोग लेके रखिएगा घर में, बंदा करता है ब्लीच वगैरह तो उसमें ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह काफ़ी हेल्प मिली, मतलब उनसे ना काफ़ी चीज़ों का पता चला, कोई घर में पार्लर वाली वैसे होनी चाहिए उसे बंदे को पता चल जाता है चीज़ों के बारे में ना। तो अभी तो इन्होंने न्यू ओपन किया, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले, इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने पार्लर में, अच्छा मतलब बनाया, अल्लाह ताला आगे भी काम चलाया, आमीन सुम्मा आमीन। कैरेटिन वगैरह काफ़ी कुछ करती हैं, पार्लर का अभी नाम वगैरह बैनर वगैरह अभी कुछ नहीं लगा क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया, मतलब अभी बना ही है और अभी जो है ना वो जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है वो करेंगी, तो फिर देखते हैं अल्लाह करे कि अच्छा चले, आमीन। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टी टाइम का इंतज़ाम कर लिया, इनके घर की ना अम्मा को मतलब चाय बहुत पसंद है, इनके हाथ की बनी ना, कुछ लोग होते हैं ना वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, तो इस तरह वो कहती है कि मेरे पूरे ख़ानदान में फेमस है, और वाकई ऐसी बात है, मेरी अम्मा को ना किसी के हाथ की बनी चाय जल्दी पसंद नहीं आती, तो वो भी कही थी कि इनके हाथ की ना बनी चाय बहुत अच्छी होती है, मतलब काफ़ी अच्छी चाय बनाती हैं, तो फिर बस वही सब ने पी, और मैं तो नहीं पी क्योंकि मैं इतनी चाय की मतलब शौकीन नहीं हूँ, मतलब मैं ना सर्दियों में ज़्यादा पीती हूँ और कभी कभी जब दिल करे, अभी तो खाना भी खाया हुआ था तो खाने के फ़ौरन बाद तो चाय बिल्कुल भी नहीं मैं पीती कभी कभी, तो फिर मैंने नहीं पी थी पर सुना है कि टेस्ट अच्छा होता है, मैं कहा चलो फिर कभी दिन की रही तो ट्राई करेंगे। तो बस इसी तरह रात हो गई थी, तकरीबन 11 ही बज जाते हैं, मैं घर आते आते आजकल दावतों से, तो फिर हम घर वापस आए, और ये मेरा ऑर्डर आया था दोपहर को, मैंने कहा घर आके ना विल ही होकर मैं खोलूँगी, जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर कराया था, इस बार तो बहुत लेट ऑर्डर आया वरना जो ब्रांड ऑफिशियल पेज होते हैं ना वहाँ से जल्दी ऑर्डर आ जाता है 2-3 दिनों में, लेकिन इन्होंने 5-6 दिन लगा दिए। खैर मैंने ना अपने कुछ गर्मियों के कपड़े मंगवाए हैं ऑनलाइन, बनेंजा सतरंगी है ना मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, मतलब इनके कपड़े मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इनकी वेबसाइट चेक करी थी तो वहाँ पे मुझे कपड़े बड़े अच्छे लगे ना, तो 2600-3000 इतनी रेंज में अनस्टिच मैंने इस बार मंगवाए हैं लोन के ना, मैंने कहा चलो लोन के ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं तो यहीं से मंगवा लेती हूँ, मैं ना बाजार जाने का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि शादी के दिनों में इतनी शॉपिंग की है ना कि बाजार जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, तो मैंने कहा अम्मा मैं ऑनलाइन ही मंगवाने लगी हूँ, तो मैंने ना 5-6 ड्रेसेस मंगवाए जिसमें से 5 मेरे हैं और 1 मैंने किसी के लिए मंगवाया है, तो ये ड्रेसेस बहुत प्यारे मुझे लगे थे, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे, इस बार मैंने ब्लैक में भी मंगवाया है, तो अभी मैं स्टिच कराने के लिए दे आई हूँ 2-3 इसमें से, और बाकी जो है ना अभी मैंने कहा चलो बाद में स्टिच कराऊँगी, तो माशाल्लाह बड़े प्यारे कपड़े आ गए। मैं ना गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग नहीं की थी, मतलब हमारी शादी आ गई पहले भाई की, तो फिर उसकी शॉपिंग वगैरह में बिज़ी हो गए, तो फिर गर्मियों के कपड़े मैंने वैसे भी लेने थे, तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन मंगवा लेते, मौका अच्छा मिला है फ़ौरन मैंने ऑर्डर करवा दिया, तो शुक्र है अच्छे कपड़े आ गए, तो अब जो है ना स्टिच करवाएंगे इंशाल्लाह,
तो फिर जब पहनूंगी तो बताऊंगी आप लोगों को किस तरह के। ब्लैक वाला तो सबसे पहले स्टिच कराना है क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रेस फर्स्ट टाइम खुद से लिया है, क्योंकि मैं ब्लैक ड्रेस कभी पहनती नहीं हूँ इतना, मतलब एक बार ही मैंने मेरे ख्याल से पहना था, उसकी भी स्टोरी बताई थी कि वो भी गुम हो गया, तो ये अब मैंने लिया है। तो स्टिच होकर अल्लाह करे अच्छे आए तो फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बाकी जो है ना, अगर आप लोग भी ऑर्डर कराना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट ऑफिशियल है। कुछ लोग पूछते हैं कैसे ऑर्डर कराएं ना, तो सिंपल सा है, क्रोम पे जाके ना, गूगल पे जाके आपने www.banansasatrangi.com लिखना है तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो वहाँ से आपको जो ड्रेस पसंद आ रहा है उसे ऐड टू कार्ट करें और फिर उसको जो है ऑर्डर करा लें अपना एड्रेस वगैरह डाल के। और यहाँ पर मैं इतनी थकी हुई थी कि एक सूट खोलने के बाद मैंने कहा यार बाकी बाद में खोलूँगी तो बस यहाँ पर मैं आज के ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं आते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यार से कमेंट भी लाजमी किया करें और कमेंट करके बताइएगा मेरे कपड़े कैसे लगे और आज का ब्लॉग कैसा लगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार से कमेंट। अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें।